ये देखो हमारी पागल फैमिली बैठी है मस्ती लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हो गंगे मैया की। तो दोस्तों, आज मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर धाम, जिसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, और ये पड़ता है हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं चंडीगढ़ से गंगा स्नान करने के लिए। और मोस्टली लोग यहाँ पर जो आते हैं वो गंगा स्नान करने के लिए ही आते हैं, और कोई पूजा पाठ करनी होती है तो यहाँ पर काफ़ी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है ब्रज मुक्तेश्वर धाम, और ये देखिए लोगों को यहाँ पे स्नान करते हुए। और किनारे पर ही आपको पुजारी बैठे मिल जाएंगे, जिनसे कि आप अपना पूजा पाठ करवा सकते हो। वो ऊपर मंदिर है, और वो सामने जो जा रहा है, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, वो मेन हाईवे है। और यहाँ पर ये ब्रजधाम आप देख पा रहे हैं। और आपको पूजा पाठ का सामान लेने के लिए, जैसे प्रसाद लेना है आपको, काफ़ी दुकानें घाट पर और इसके पीछे बाजार है, वहाँ पर काफ़ी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ आना चाहो तो आप बाय बस, ट्रेन और बाय एयर आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। और आप यहाँ जब भी आओगे, आपको यहाँ पर स्नान करते हुए लोग हर मौसम में मिल जाएंगे। ऊपर यहाँ मंदिर है, नीचे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, और स्नान वहीं तक करें जहाँ तक ये बांस बांधे गए हैं। बांस की दूसरी ओर पानी गहरा है, तो कृपया करके वहाँ मत जाएं, किनारे पर ही स्नान करें। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग अपना अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं, और वो ऊपर मंदिर आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ एक्टिविटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर कई प्रकार की नाव व कश्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि सारी इलेक्ट्रिकल हैं और डीजल से चलती हैं। और आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो, और बोटिंग का प्राइस यहाँ 150 रुपये से शुरू हो जाता है प्रति व्यक्ति। ये देखो हमारी पागल फैमिली बैठी है मस्ती लेने के लिए। कोको, ये देखो, इधर देखो, ये व्लॉग बनवाने आई है। और दोस्तों, घाट के पास ही आपको कई प्रकार के होटल्स और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप चाहो तो एक या दो दिन के लिए स्टे भी कर सकते हो। और पास में ही बाज़ार है, अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हो। और घाट के पास ही आपको पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि पेड़ है। और दोस्तों, मंदिर के आस पास के इलाके में काफ़ी बंदर होते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। कई बार ये आपसे सामान छीन लेते हैं, और ये कई बार यात्रियों को काट भी लेते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा व्लॉग ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर धाम का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।